प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि कई बार मन में ऐसा विचार आता है लोगों के कि कहीं उनके साथ में कुछ बुरा न हो जाए। अगर कोई बीमार है तो उसके मन में ये विचार आता है कि इस बीमारी के द्वारा कहीं उसकी मृत्यु न हो जाए, कहीं उसके परिवार वालों के साथ में कोई दुर्घटना न हो जाए। जब कभी लोग बाहर निकलते हैं तो मन में विचार आता है कहीं कोई एक्सीडेंट न हो जाए या फिर कहीं कुछ से हमारा नुकसान ना हो जाए। इस प्रकार के अनेक से बुरे विचार मनों में आते रहते हैं। कई बार लोगों के मन में आता है कि जिस जॉब को वो कर रहे हैं कहीं इस जॉब में प्रॉब्लम ना आ जाए, कहीं इन्हें ये जॉब छोड़नी ना पड़े, कहीं कोई इन्हें निकाल ना दे, कहीं कोई इनके साथ में कुछ गलत ना कर दे। इस प्रकार के अनेक बातें लोगों के मनों में आती रहती हैं। और कई बार लोग बुरी बुरी बातों को कहते हैं, बुरी खबरों को लेकर के आते हैं और उन्हें बुरी खबर सुनाते हैं, जिन बातों से आदमी डर जाता है, घबरा जाता है। चाहे उसके मन में आ रहा है तो भी वो घबरा जाता है, या फिर लोग उससे कह रहे हैं तब भी वो घबरा जाता है। परंतु आज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप हमेशा इस बात को याद रखें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5:36 में, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हुआ। याइर नामक एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया क्योंकि उसकी बेटी बीमार थी, और उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि मेरे घर चल, मेरी बेटी के लिए प्रार्थना कर, वो मरने पर है या फिर वो बीमार है। और यीशु मसीह उसके साथ में उसके घर चलने लगे। इतने में क्या हुआ, कुछ लोग आए उसके घर से, उस आराधनालय के सरदार के घर से, याइर के घर से कुछ लोग आए, और रास्ते में उन्होंने याइर से कहा कि हे याइर, अब गुरु को कष्ट मत दे, यानी कि अब प्रभु यीशु मसीह को मत लेकर के आ, क्योंकि तेरी बेटी मर गई है। और जब याइर ने इस बुरी खबर को सुना तो याइर बहुत डर गया, घबरा गया। परंतु दोस्तों, यहां पर हम कुछ और देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उस बात को, वचन कह रहा है कि जब उन लोगों ने इस बुरी खबर को याइर से कहा कि तेरी बेटी मर गई है, तो प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को अनसुना कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को अनसुना किया और याइर से कहा कि याइर, डर मत, केवल विश्वास रख, तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि ये बुरी खबर तेरे जीवन में आ गई है, हालांकि याइर के मन में भी ये बुरा विचार आ गया है कि मेरी बेटी मर गई है या फिर मरने पर है, अब वो जीवित नहीं हो सकती, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को अनसुना किया। प्रभु यीशु मसीह ने भी इस बात को सुना कि उसकी बेटी मर गई है, फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को अनसुना किया और प्रभु ने उससे कहा, मत डर, केवल विश्वास रख, प्रभु पर विश्वास रख। दोस्तों, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा सुबह में कि आप भी केवल यही करें। जो भी बुरी खबर, जो भी बुरा विचार आपके मन में आए या फिर लोग आपके पास लेकर के आए, आपको उनकी बात को अनसुना करना है और परमेश्वर पर विश्वास रखना है। डरना नहीं है, केवल विश्वास रखना है। और जब आप इस प्रकार से करेंगे तो आप याइर की तरह अपने जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को देखेंगे कि याइर की मरी हुई लड़की को प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा कर दिया। इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे, परंतु कब, जब आप इन नेगेटिव बातों को, इन नकारात्मक बातों को, इन झूठी खबरों को, इन गलत विचारों को, इन दुष्ट के द्वारा डाले गए विचारों को, इन नकारात्मक विचारों का खंडन करेंगे, इनको अनसुना कर देंगे और परमेश्वर के वचन को सुनने लग जाएंगे, परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को रखेंगे, प्रभु यीशु मसीह की ओर अपने ध्यान को रखेंगे, उसके वचन का पालन करेंगे कि मत डर, केवल विश्वास रख। जब आप ऐसे विपरीत समय में विश्वास को रखेंगे तब परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेगा। परंतु यदि आप विपरीत समय में विश्वास को नहीं रख पाएंगे तो प्रभु आपके जीवन में आश्चर्य कर्म को नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको चाहिए कि आप उन सब बातों को अनसुना
करें जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है, या फिर जो बातें बुरी खबरों को लेकर के आती हैं, या फिर जो बातें शैतान आपके मन में डालता है बुरे विचारों के रूप में, इन सब को आपको अनसुना करना है और परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना है। चाहे मन में विचार आए कि तू मर जाएगा, तब भी आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें कि मत डर, केवल विश्वास रख। चाहे मन में विचार आए कि आगे चलकर तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, तब भी तुम्हें यह विश्वास रखना है कि मत डर, केवल विश्वास रख। जब मन में आए कि हमारे परिवार के साथ सदस्य के साथ में कहीं कोई बुरी घटना ना हो जाए, तब भी विश्वास रखें, मत डर, केवल विश्वास रख। प्रभु यीशु मसीह आज सुबह में इस महीने के लिए हमसे यही बातचीत करता है कि मत डर, केवल विश्वास रख। अब चाहे परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, कितनी भी समस्याओं में आप क्यों ना हो, चाहे लोग आपको कुछ भी क्यों ना कहें, चाहे कितनी भी बुरी खबरें आपके पास क्यों ना आ जाएं, कितने भी बुरे विचार आपके मन में दुष्ट क्यों ना डाल दे, फिर भी आपको ये विश्वास रखना है, इस बात पर यकीन करना है, भरोसा करना है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है मत डर, केवल विश्वास रख। और जब आप इस बात पर विश्वास रखेंगे तो आप अपने जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को देखेंगे। तो इसलिए दोस्तों, इस बात को आप हमेशा याद रखें, मत डर, केवल विश्वास रख। और लोगों की इन बातों को अनसुना करना है, उन पर ध्यान नहीं देना है, उन पर मन नहीं लगाना है, उस पर नहीं सोचना है, बल्कि आपको उन सब बातों को अनसुना करके प्रभु की बात पर सोचना है, उसकी बात पर मन को लगाना है। सो प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। दोस्तों, ये समय होगा जब हम ये गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहे हैं जो उसके वचन पर विश्वास रख रहे हैं। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे, आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। मेरा नाम प्रियंका है, मैं कोरबा में रहती हूँ। मेरे दोनों बेटी को बुखार था और मैंने व्हाट्सएप में मैं रिक्वेस्ट भेजी थी, तो मेरे दोनों बेटी का बुखार अब भला चंगा है, वो दोनों बढ़िया है। और मुझे गैस बनते थे और गैस का प्रॉब्लम भी मेरा दूर हो गया, प्रभु का धन्यवाद। और अमृता और पीके भैया, दोनों दीदी भैया को भी धन्यवाद और पूरे टीम को भी धन्यवाद, हमारे लिए प्रार्थना किया और हमारे गैस का प्रॉब्लम भी दूर हो गया और बुखार का भी। प्रभु का धन्यवाद, हमारे ऊपर आशीष बनाए रखे, इसके लिए धन्यवाद, आमीन। तो हम परमेश्वर पिता का इस सुंदर सी गवाही के लिए धन्यवाद करते हैं, जिसे सुनकर हम सब उत्साहित हुए हैं। सो प्रभु इस गवाही के द्वारा आपको नामोनाम आशीष दे। आइए आज की सुंदर सुबह में, आज के इस नवंबर महीने में, हम प्रभु का हृदय से धन्यवाद करते हैं और तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक नया महीना, नवंबर महीना हम सब के जीवन में जोड़ा है। हम सब जीवितों की पृथ्वी पर आज जीवित रहकर इस नए महीने में प्रवेश करने पाए हैं, ये प्रभु की अद्भुत दया है। और हम सब मिलकर आज की इस सुंदर सुबह में, आज के इस नए दिन में परमेश्वर से प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं, जो कुछ भी आज आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, परेशानियां हैं, संकट, बीमारियां हैं, प्रभु के आगे आज आप रखें, प्रभु सॉल्यूशंस देंगे, आपके जीवन में कार्य करेंगे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र अति महान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, सच में मेरे सेनाओं के प्रभु, हमारे दयालु और अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाले पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु, धन्यवाद करते हैं कि आप स्वर्ग में पिता के दाहिने विराजमान है हमारी विनती और निवेदनों को सुनने के लिए, हम सब की ओर प्रभु यीशु मसीह अपनी दृष्टि को करने के लिए आप हमारे साथ में है यीशु, हर घड़ी हर वक्त प्रभु आप हमारे साथ में है। और विशेषकर प्रभु धन्यवाद पिता इस महीने के लिए, इस नवंबर महीने के लिए प्रभु जी, कि आपने प्रभु हमें पिछले महीने संभाल कर रखा और ये नया महीना आपने सब हम सब भाई बहनों के जीवन में जोड़ दिया। प्रभु हम आभारी हैं, धन्यवादी हैं और बहुत ही ज़्यादा आनंदित और खुश हैं कि हम सब जीवित और प्रभु जिंदा हैं और आपके साथ में इस संगति को इस नए महीने में कर रहे हैं। प्रभु धन्यवाद करते इस पूरे महीने के लिए, प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि ये पूरा महीना प्रभु जी आशीषों भरा होने पाए, प्रभु जी सफलता भरा होने पाए, प्रभु आनंद से भरा होने पाए, शांति से भरा होने पाए, मिल मिल
लाभ से भरा होने पाए। और प्रभु होने दीजिए इस महीने में प्रभु, जो इन भाई बहनों के जीवन में कभी नहीं हुआ वो आश्चर्य कर इस महीने में आप इनके जीवनों में दिखाएं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल है खुदावन, इस पूरे महीने में प्रभु तेरी उपस्थिति, तेरी योजनाएं, तेरी हर एक बातें इनके जीवन में पूरी हो पिता। प्रभु पवित्र आत्मा जी इस पूरे महीने में आप इन्हें गाइड करें, आप इनकी सहायता करें, आप इनकी मदद करें प्रभु, क्योंकि इन्हें आपकी मदद की जरूरत है। हम सबको जो आप पर विश्वास करते, जो आपके नाम पर भरोसा करते खुदा, हम सबको आपकी मदद की जरूरत है पवित्र आत्मा। धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ जो वचन आज के इस सुंदर सुबह में, आज के इस नवंबर महीने में, इस पूरे महीने के लिए प्रभु आपने हमसे वचन से बातचीत किया कि प्रभु हर एक नेगेटिव बातों को हमें अनसुना करना है और इस बात पर भरोसा रखना है कि तूने कहा है मत डर, केवल विश्वास रख। हाँ प्रभु, आपने कहा इस पूरे महीने में तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, केवल विश्वास रखने की जरूरत है। हाँ मेरे प्रभु, तेरा धन्यवाद कि हम सबके अंदर वो विश्वास उत्पन्न करे प्रभु, कि हर एक परिस्थिति में भी प्रभु हम तुझ पर विश्वास करने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि प्रभु इस पूरे महीने में प्रभु जी हर एक बुरी बातों से प्रभु इन भाई बहनों को बचा कर रखे परमेश्वर। हर एक बुरी खबरों से परमेश्वर प्रभु आप इन्हें बचा कर रखे। कोई भी बुरी खबर, कोई भी बुरी दुर्घटना इनके और इनके परिवार के संग में ना होने पाए प्रभु। हम आपके सुरक्षा दायरे में इन भाई बहनों को, इनके परिवार, इनके बच्चों को रखते, आपके लहू के पहरे में रखते प्रभु, कि ये पूरा महीना इनके लिए आशीषों भरा होने पाए और आने वाले इस मंथ में प्रभु बहुत सारी खुशियां, बहुत सारा आनंद इनके जीवन में आए प्रभु। इनके रुके हुए काम बनने पाए, इन्हें आप इस पूरे महीने अच्छा स्वास्थ्य दें प्रभु, इन्हें इनके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म आप करें प्रभु, न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू बातें आप इनके जीवन में करें, नए दरवाजों को आप इनके लिए खोले प्रभु जी। जो बातें इनके लिए असंभव थी प्रभु, वो बातें इस महीने में आप इनके लिए संभव करें परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, यदि प्रभु ये ऐसी सिचुएशन में, जब इस समय भी प्रभु इनके जीवन में परेशानियां हैं, दुख हैं, बीमारियां हैं, निराशा है प्रभु, यीशु के नाम से ये सारी बातें दूर हो जाएं और प्रभु ये प्रभु डरे नहीं परंतु सिर्फ विश्वास करे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते इस पूरे महीने में प्रभु, आप अपनी असीम शांति को इनके जीवनों में, इनके परिवारों में बनाए रखे। हर एक लड़ाई झगड़े से आप इन्हें छुटकारा दे, हर एक कर्ज से आप इन्हें छुटकारा दे, हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम से इन्हें छुटकारा दे। आप इनके लिए नए रास्तों को खोले, नई बातों को आप इनके जीवन में करें परमेश्वर। और प्रभु सही डिसीजन लेने में भी आप इनकी सहायता करें प्रभु, जो इनके लिए सही है वो इनके जीवन में आप करें। आपकी इच्छा, आपकी योजना इस पूरे महीने में इनके जीवन में पूरी हो पिता। और विशेषकर प्रभु जिस प्रकार यायर के पास परमेश्वर पिता एक बुरी खबर आई प्रभु, परंतु प्रभु आपका वचन ने उसे ढाढ़स दिया कि मत डर, केवल विश्वास कर। उसी प्रकार यीशु मसीह ये भाई ये बहन प्रभु अपनी किसी भी बुरी परिस्थिति से ना डरने पाए प्रभु जी। यीशु कोई भी दुष्ट के बुरे विचार, कोई भी दुष्ट के गलत नेगेटिव थॉट्स प्रभु इन्हें डराने ना पाए प्रभु जी। यदि दुष्ट कहता है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत होने वाला है, तो प्रभु आज उन सारे नेगेटिव थॉट्स को, हर एक नेगेटिव विचार को यीशु के नाम से खंडित करते हैं, हम उसका खंडन करते हैं यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, प्रभु हर एक वो नकारात्मक सोच, हर एक वो नकारात्मक विचार जो इनके माइंड में, इनके दिल में, दिमाग में प्रभु प्रभु दुष्ट की ओर से आता है, यीशु के नाम से कैंसिल करते प्रभु, हम उसे इरेज करते यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु कि आपकी पॉजिटिविटी, सकारात्मक विचार इनके जीवनों में आए पिता। धन्यवाद करें, इन्हें आप पूर्ण रीति से पॉजिटिव करें, ये पॉजिटिविटी इनके अंदर बहने लगे, क्योंकि आप परमेश्वर हैं, आप पॉजिटिव हैं। और प्रभु हम सबको भी वो पॉजिटिविटी आप दे मेरे खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि इस पूरे महीने में परमेश्वर प्रभु इनके काम बनने पाए पिता, इन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु, बीमारियों से छुटकारा दे प्रभु, यदि सीरियस कंडीशन में उस सीरियस कंडीशन से छुटकारा दे प्रभु। इस समय जितने भाई बहन बीमार, अस्वस्थ है, यीशु हम आपसे विनती करते, आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपने वचन में कहा विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। यस माय लॉर्ड, इसी समय प्रभु हम वो विश्वास की प्रार्थना करते और कहते हैं, इसी समय वो छोटे बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, बहने, भाई, हर एक जन जो इस प्रार्थना को सुन रहे यीशु के नाम से, यदि आज वो बीमारी में है तो वो बीमारी नष्ट हो जाए, वो दर्द नष्ट हो जाए, इनके शरीर के अंग चंगे हो जाए, जो कार्य करना बंद कर दे वो कार्य करने लगे, सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक ये चंगे हो जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, इस पूरे महीने में परमेश्वर आप अपने लोगों को भला चंगा और स्वस्थ रखें, इनके कामों में सफलता दें, इन्हें आशीष दें प्रभु जी, इनके बच्चों को आशीष दें, इनके हर एक काम में इन्हें आशीष दें। जो भाई बहन कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आप उन्हें सफलता दें प्रभु जी, जो घर में अपना काम करते हैं प्रभु उस पर आप इन्हें आशीष दें प्रभु, इनकी जॉब पर इन्हें आशीष दें, इन्हें प्रमोशंस दें, इन्हें ट्रांसफर्स दें प्रभु, आप इन्हें ब्लेस कर
करें प्रभु जी। yes. खुदा जो कुछ भी ये कमाते हैं प्रभु, उस पर भी आपकी बरकत और आशीष हो पिता। Amen. प्रभु किसी भी गलत काम, किसी भी मेडिसिन में प्रभु वो कमाई ना लगे, वरन इनका परिवार, इनके बच्चे उसका सुख और आनंद उठाएं पिता। yes. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, जितने भाई बहनों ने आपके राज्य में अपने बीज को बोया है, यीशु मसीह के नाम से वो 100 गुना फलवंत हो पिता। yes. और एक बहुत अच्छी कटनी वो करने पाए, बहुत ज्यादा फलदायी उनका जीवन होने पाए प्रभु। yes. और पिता किसी भी भली वस्तु की घटी कमी उन्हें और उनके परिवार को ना हो, और धन्यवाद के अपरंपार आशीषों की वर्षा आपने उनके ऊपर की है प्रभु। yes. तेरा धन्यवाद आज के पूरे दिन को, इस पूरे महीने को, इन भाई बहनों को, इनके परिवारों को आपके हाथों में देते, और जो कुछ भी ये विनती करते, जो कुछ भी ये प्रार्थना मांगते प्रभु आप उनके जीवन में करें। yes. जितने भाई बहनों ने कमेंट्स के द्वारा फेसबुक, इंस्टाग्राम में और फोन कॉल करके और मैसेज करके प्रभु हमें अपने प्रार्थना निवेदनों को भेजा है, यीशु मसीह आप उनकी सुधि ले, उनके जीवन में कार्य करें, जो कुछ भी उनकी समस्या, परेशानी, बीमारियां हैं आप छुटकारा दें प्रभु। yes. धन्यवाद प्रभु, क्योंकि हर एक परिस्थिति में आपके बेटे बेटियां डरे नहीं, केवल विश्वास करें प्रभु। Amen. धन्यवाद प्रभु, ये वचन हम सबके जीवनों में पूरा हो। yes. और हम तुझे महिमा दें। धन्यवाद Amen. के साथ आदर, महिमा, जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।